और कैथल सफाई घोटाले पर पार्षद प्रतिनिधि के गंभीर आरोप, बगैर काम जारी की गई राशि, नहीं हुआ धरातल पर काम, नियमों के खिलाफ बगैर डिमांड 12 करोड़ का काम किया गया। जिले के जेबीटी सुरेंद्र ढूल पर लगाए गंभीर आरोप, नौकरी के साथ राजनीति करने का भी आरोप लगा है। रिश्तेदारों के नाम टेंडर लेकर शिक्षक खुद करता है काम, आरोपी शिक्षक पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाने का भी आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक लाखों रुपए के काम कराने का दावा किया गया है। आरोपी शिक्षक लाखों की ग्रांट लाने के लिए भी काम करता है, यह भी दावा किया गया और जिले के 209 में केवल 2 कार्यों का जिक्र किया है। पैसा वापस जिला परिषद के खाते में जमा कराने की मांग की गई है। घोटाले का रिकॉर्ड लेने के लिए भी आरटीआई लगाई गई है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। तो देखिए क्या क्या आरोप लगे हैं, आपको बता रहे हैं। और खबर करनाल से, करनाल नगर निगम कर्मचारियों की भूख हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी की है, प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी और अभी भी इनकी भूख हड़ताल जारी है, अपनी मांगों पर अड़े हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखें, भूख हड़ताल पर बैठे ये कर्मचारी लगातार दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और इसके अलावा सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार ने इनके साथ वादा खिलाफी की है, प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं ये सभी कर्मचारी। इसमें महिलाओं को भी आप देख सकते हैं जो बैठी हैं और इसके अलावा कई पुरुष जो हैं कर्मचारी बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं और इसके अलावा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। तो ये नारेबाजी के स्वर जरा सुने आप, ये उन्हीं कर्मचारियों के हैं जो धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।